जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज अ सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 9 हेल्प्स एंड क्वार्टर। सो प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस्ड वेल इन प्रीवियस चैप्टर and further discussing today. Before starting video, please subscribe my channel and like my channel. Share with your friends. So 1/2 meter equals to how many centimeter? Firstly, we know how many centimeter in a meter. Okay, so let's see. 1 meter equals to 100 centimeter. Therefore, 1/2 meter equals to, अब देखो 1/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे, तो क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई और जितने सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो ये 100 हो गया. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 का 0, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना. तो 50 सेंटीमीटर आंसर. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर. ओके, सिमिलरली 1/4 मीटर इक्वल्स टू, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू, 1 मीटर इक्वल्स टू. ओके, सो सिमिलरली हियर आंसर इज 1/4 मीटर इक्वल्स टू 1/4 × 100 / 1, ऐसे भी कर सकते हो. 4 1 जा 4, 100 1 जा 100, और 100 में क्या कर दो आप 4 से डिवाइड कर सकते हो. आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे में नहीं आ रहा तो आप न्यूमिरेटर को डिविडेंड बना दो और डिनोमिनेटर को डिवाइजर बना दो. 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 0 यहाँ पे बचा 0, 20, 4 5 जा 20, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 25. ओके, तो आंसर इज 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप लिख दोगे 25 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज 3/4 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है ना. तो 3/4 मीटर इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जा 20, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर. तो हियर इज 75 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज शेयरिंग मिल्क. दिस बोटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर. द मिल्क इज पुट into 4 bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. ये कह रहा है यह बोटल जो है 1 लीटर कर सकती है, 1 लीटर मिल्क को होल्ड कर सकती है, इसमें 1 लीटर दूध रख सकते हैं हम, ठीक है ना. द मिल्क इज पुट इंटू 4 बोटल, और इस जो इस बोटल में मिल्क है उसको हम इन 4 बोटल में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, ठीक है ना, ऑफ लीटर. सेट द बोटल टू शो द लेवल ऑफ मिल्क. तो कितना आएगा 1/4, ये 1 ही लीटर की है तो 1/4 में इतना आएगा आपका, ठीक है ना. तो इतने पार्ट को हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है ना. तो ये आपका हो गया 1/4 लीटर, 1/4 लीटर. 1 लीटर में कितना आता है, 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है. रिमेंबर 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो 1 में कितना आएगा, तो
तो एक में यहाँ पे हम लिख देंगे इन ईच बोटल, इन ईच, ई ए सी एच, ईच बोटल होल्ड इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई 1000। ओके, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 1 4 4 2 8 2 5 4 5 20 एंड यहाँ पे जीरो है तो जीरो, तो 250 ml मिलीलीटर का सॉल्ट फॉर्म होता है ml। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बोटल हैव। तो अभी हमने निकाला कितना, 250 ml। ओके, नेक्स्ट इज सन पोर्ड 1 liter ऑफ मिल्क इंटू 2 bottles सो दैट द फर्स्ट बोटल होल्ड्स 3/4 liter एंड द अदर होल्ड्स 1/4 liter। देखो सन क्या करता है कि 1 liter बोटल में क्या करता है, 3/4 liter एक में डालता है और 1/4 liter दूसरी बोतल में डालता है, ठीक है ना। सेट द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बोतल, तो इसमें भी हमको सेट ही करना है, तो 3/4 आपका इतना हो जाता है, ठीक है ना। 3/4 का मतलब है 750 ml, ठीक है ना। 1/4 इतना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 250 ml। अभी अब ऊपर निकाला था 1/4 liter कितना होगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। ओके, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बोटल होल्ड, तो एक बोटल में कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 ऑफ 1 liter, 1 liter इक्वल टू हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1000 ml। ओके, 4 1 4 4 2 8 2 4 5 20 2 50 2 50 मल्टीप्लाई 3 × 250 हो जाएगा, और 3 × 250 हो जाएगा 3 0 0 3 5 15 3 2 6 1 7 1 कैरी था, तो ये आपका 370 ml आ गया इसमें। अब इसमें कितना आएगा हमारा 1/4 में, तो 1/4 अभी किया था हमने 1/4 ऑफ 1 liter इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000 ml। ओके, तो फिर यही 4250 इक्वल टू 250 ml, तो इस टाइप से ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ही बैलेंस द वेट, वेट को आपको बैलेंस करना है, ये 1 kg का बैलेंस है, ये 500 ग्राम का है, ये 50 ग्राम का है। आपको बता दूँ 1 kg = 1000 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब देखो चूज फ्रॉम द वेट अबव टू मेक द 2 pence इक्वल इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट। ये कह रहे हैं जो ये 2 pence हैं इनको आपको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है ना। तो देखो इसे कैसे इक्वल करेंगे आप, ड्रॉ द वेट इन द एम्प्टी पैन, तो इसमें आपको क्या करना है, वेट ड्रॉ करना है। तो देखो 1 kg इक्वल्स टू कितना है, 1000 ग्राम है, तो 2 kg इक्वल्स टू 2 kg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 1000 ग्राम इक्वल्स टू 2000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ आपको 2000 ग्राम करना है, तो पहले यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 kg का बनाओ, ठीक है ना। ये हमारा 1 kg का, कितने टाइप से आप इसे कर सकते हो ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 1 kg, फिर हम इसमें कितना 500 का बना सकते हैं, 500, ठीक है ना, 500 ग्राम। और फिर इसमें अब ये कितना हुआ, 1500 ग्राम्स हो गया। अब इसमें एक और 500 का हम और कर सकते हैं, 500 का एक और ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, तो 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, अपना बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट इज
इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। तो 3/4 kg पहले इसको निकालते हैं, तो 3/4 kg कितना होता है, 3/4 kg इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 बचा 2 20, 4 5 जा 20, 250 ग्राम। ठीक है ना, 250 को हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, तो 750 ग्राम आ गया ये। तो 750 ग्राम हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हम कर सकते हैं 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ये भी क्या हो गया 500 और 200 700 और 50 750 ग्राम। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। ठीक है ना, तो 250 हुआ आपका 500 और 500 250 कितना हो गया 750 ग्राम। तीसरा वे क्या कर सकते हैं हम, तीसरा वे हम कर सकते हैं 500 ग्राम, ठीक है 150 तो नहीं है यहाँ, ठीक है ना, तीसरा वे हम क्या कर सकते हैं 200 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम और प्लस 250 ग्राम। तो इन थ्री डिफरेंट वे से हम इनको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इज इट रॉन्ग, ये गलत क्यों है। कनन सेडेड सम पार्ट एज सोन, कनन जो है इस तरीके से पार्ट को सेट करती है, बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इज रॉन्ग, दैट इट इज रॉन्ग। लेकिन उसकी जो फ्रेंड क्या होती है, मिनी होती है, वो कहती है कि ये गलत है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रॉन्ग, आपको एक्सप्लेन करना है ये गलत क्यों है। ठीक है ना, तो देखो ये कह रहा है कि जो कनन कह रही है, ये कह रही है कि ये 1/4 है, लेकिन मिनी कहती है ये 1/4 नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द बॉक्स, बिकॉज द बॉक्स इज नॉट डिवाइडेड इक्वली 4 पार्ट। ये क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड किया गया। जब 4 इक्वल पार्ट होंगे तभी ये क्या होगा, 1/4 होगा। देखो ये तीनों सेम है, लेकिन क्या ये जो कलर्ड पार्ट है ये आपका क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है। अगर ये चारों इक्वल होते तब ये 1/4 होगा। सेकंड देखो ये भी इक्वली 1/2 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट छोटा है और ये बड़ा है। अगर दोनों इक्वल पार्ट में क्या किए जाते, डिवाइड किए जाते, तो तब हम बोलते कि ये क्या है, दो इक्वल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे कह देंगे बिकॉज द ट्राइंगल नॉट डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट। ओके, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज देर आर 60 मैंगोज, 1/2 ऑफ देम आर राइप, हाउ मैनी मैंगोज आर राइप। ये कह रहा है कि वहाँ, यहाँ क्या है, 60 मैंगोज हैं, उनमें से हाफ मैंगोज क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो कितने मैंगो पके। तो हम इसको निकालेंगे, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो टोटल मैंगो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, प्रैक्टिस टाइम। ओके, ये हो जाएगा टोटल मैंगोज इक्वल्स टू 60, 1/2 ऑफ 60 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0 का 0 इक्वल्स टू 30 मैंगोज।
हैंस 30 मैंगोज आर राइप। कितने पक गए हैं? 30 मैंगोज पक गए हैं राइप। ओके, तो इस टाइप से निकालेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 32 चिल्ड्रन, 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज। देखो ये कह रहा है कि यहाँ कितने हैं, कुल बच्चे हैं 32, इनमें से कितनी 1/2 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर टू, आंसर, टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू 1/2, सॉरी नॉट 1/2, टोटल चिल्ड्रन इज 32, 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स। तो देखो 1/2 क्या है, गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 1/2, और टोटल चिल्ड्रन कितने 32, करो इसको, 31 जा 32 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, कैरी 1 12 और 2 6 जा 12, तो 16 गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या कर देंगे, टोटल चिल्ड्रन में से नंबर ऑफ गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 32 माइनस 16, तो देखते हैं 32 माइनस 16 कैसे आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 32 माइनस 16, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो यहाँ से बोरो लेंगे, तो यहाँ हुआ आपका 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा आपका 2 में से 1 गया 1, 16 बॉयज। ओके, तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट इज, देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार आर रेड। ओके, तो ये कह रहा है कि वहाँ 20 स्टार्स हैं, तारे हैं, उनमें से क्या, वन क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4, आपको बताया था 1/4 ऑफ देम आर रेड, तो कितने 1/4 रेड हैं, तो कितने टोटल स्टार रेड हैं। लेट सी आंसर, टोटल नंबर ऑफ स्टार, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल्स टू 20 हैं, ठीक है ना, 1/4 ऑफ 20 इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 20/4, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 5 टाइम, तो 5 स्टार्स आर रेड। ओके, नेक्स्ट इज, हाउ मैनी आर नॉट रेड, तो इसका सेकेंड पार्ट है कि कितने रेड नहीं हैं, तो जितने टोटल स्टार हैं उनमें से जो रेड स्टार आए उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रेड नहीं है वो निकल जाएंगे। स्टार सेकेंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकेंड वाला है, स्टार नॉट रेड, नॉट रेड इक्वल्स टू, क्या कहा था मैंने, टोटल स्टार 20 हैं उनमें से रेड को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, जो रेड नहीं है वो कितने हैं, 15 स्टार्स हैं जो रेड नहीं है। नेक्स्ट इज, रवि वांट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2, ही गिव्स अ 1 रुपीज कॉइन्स, 1/2 रुपीज कॉइन्स एंड 1/4 रुपीज कॉइन्स, इज इट इनफ। ये कह रहा है कि रवि चाहता है वो एक पेंसिल दे जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज है, ही गिव्स 1 रुपीज कॉइन्स, पहले कितना देता है, 1 रुपीज का कॉइन देता है। ओके, फिर कितना देता है, 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज यानी कि 50 पैसे की कॉइन देता है, एंड 1/4 रुपीज कॉइन्स, और फिर क्या देता है, 25 पैसे का कॉइन देता है। इज इट इनफ, क्या ये पूरा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर,
क्या हो जाएगा, रवि गिव, रवि गेव, रवि गेव इक्वल्स टू 1 रुपीज कॉइन्स, रुपीज 1 प्लस क्या हाफ रुपीज कॉइन्स 1/2 रुपीज, और तीसरा देता है 1/4 रुपीज। ओके तो ये हो जाएगा 1/1 रुपीज, तो 1 ही रुपीज रहेगा। ओके 1/2 ऑफ रुपीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे लिख देंगे 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो कितना होता है 100 पैसे होता है 2 5 10 50, ठीक है ना, प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 1 4 4 2 8 2 जाएगा आगे, तो 2 5 4 5 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा रुपीज 1 प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज 50 पैसे 1 रुपीज 75 पैसे, तो आ जाएगा रुपीज 1 पैसे 75, यानी कि 1 रुपीज 75 पैसे। तो क्या कह रहा था, इज इट इनफ, नो दिस इज नॉट इनफ बिकॉज रुपीज 2 इक्वल्स टू 200 पैसे, बट हियर ओनली 175 पैसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल।